नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। एक बहुत ही अजब की बात है इस जीवन में कि प्याज जो लोगों को रुलाती थी, लेकिन आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्याज लोगों को लाइन में लगा रही है। और लाइन में इसलिए लगा रही है क्योंकि सरकार की जो पहल है 35 रुपये प्रति केजी जो यहाँ पे प्याज दिया जा रहा है, उसके लिए जनता को देख सकते हैं, जनता की भारी मौजूदगी है यहाँ पे उस प्याज को लेने के लिए। तो इस वीडियो में पूरा आपको सफर दिखाएंगे, कहाँ पे आप बिलिंग कराएंगे, कैसे डिलीवर होगा, साथ में आपको गोडाउन में भी ले चलने की कोशिश करेंगे और साथ ही यहाँ के अधिकारियों से ये बात करेंगे कि प्याज आ कहाँ से रहा है और किस तरह से लोगों तक डिलीवरी पहुँचाई जा रही है और ये प्रोसेस कितना दिन तक चलेगा। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज है जो आजकल लोगों के प्लेट से ख़त्म हो चुकी है और ये डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पे जो लोग आगे से बिल करवा के आ रहे हैं उनको यहाँ पे डिलीवरी दिया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे आगे देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा को दिखाए कि लोग वहाँ पर रिसिप्ट दे रहे हैं और वहाँ से आने के बाद जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको प्याज दिया जाता है। और ये पैकेट है, दो रंग की पैकेट है यहाँ पे, एक पीली है एक उजली है। तो आइए बात करते हैं जो रिसीविंग ले रहे हैं रिसिप्ट की और जो प्याज दे रहे हैं उनसे कि क्यों ये अलग है, दोनों के अलग या दोनों सेम है। तो अभी हमारे साथ राजीव जी हैं जो कि यहाँ पर रिसीविंग लोगों से ले रहे हैं और उसके बदले लोगों को प्याज दे रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। तो मैं बताइए कि जो प्याज आप दे रहे हैं, मतलब कि ये केजी को लेके जो जनता सोच रही है पूरा नेट है, एकदम पूरा 100% कंफर्म है कि 2 किलो 200 ग्राम है, 2 किलो से कम नहीं है, ये अफवाह है। हम लोग का पूरा नीट वेट करके दिया गया है कि 2 किलो 100 ग्राम हो जाए, 200 ग्राम, लेकिन 2 किलो से कम नहीं है। जैसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह की यहाँ पे हम लोग को प्लास्टिक देखने को मिल रही है, एक उजली है एक पीली है, तो क्या दोनों में भी डिफरेंस है कुछ या दोनों सेम ही? कोई डिफरेंस नहीं है, खाली कलर का प्रिंट का डिफरेंस, और कोई कलर की नहीं है। तो भाई मान लीजिए जो लोग आज नहीं आए हैं तो उनके लिए क्या है, वो आ सकते हैं, कितना दिन तक ये चलेगा जो प्याज हमें मिल रहा है? ये तो हमारे बिस्कुमान प्रबंधक का निर्देशानुसार है, ये चलेगा और आज से शुरू हुआ है और आगे तक चलेगा। तो अगर आप आज छूट गए हैं और प्याज नहीं ले पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बिस्कमान के जो प्रबंधक है उन्होंने कहा है कि अभी चलेंगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी हमारे साथ एक रजनीश जी हैं जो कि अपना अभी ऑफिस छोड़ के आए हैं प्याज लेने, तो आइए इनसे जानते हैं कि कितना इनको मेहनत करना पड़ा प्याज को लेने के लिए। नहीं, बहुत मेहनत तो करना पड़ा, लेकिन दुगुना का फर्क है, बाजार में 80 रुपये के जी प्याज है और सरकार अगर इस तरह का व्यवस्था की है तो बहुत सराहनीय है, बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलने के लिए हक नहीं, वह सब नहीं है। 80 रुपये के जी बाज़ार में है, हमें 35 रुपये के जी मिल रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, ऑफिस छोड़ के हम भी मेहनत करने आए हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है ये। तो सर प्याज को लेके जो लोगों में या जनता में जो है कि मतलब प्याज सस्ता है चलो ले लेते हैं, तो उसको लेके आपको क्या कहना है और सरकार की इस तरह की पहल कितनी आपको लगती है कारगर साबित होगी? नहीं, बहुत बहुत ही हम काबिल तारीफ है, इसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि शब्द नहीं है। आज आप बाजार में कहीं भी, हम तो पहली बार ऐसा देखे हैं बिहार में, 45-47 साल एज हो गया है मैं, लेकिन सरकार इस तरह व्यवस्था की है, सभी के लिए की है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, नहीं अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि आप जॉब से अभी आ रहे हैं, फिर आप जो ऑफिस जाइएगा तो क्या बॉस कभी डांट सुनने पड़ेगी आपको? डांट तो नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन बोल गया है, लेकिन वो भी करे, चलो जाओ ले आओ, क्योंकि दुगना फर्क है, पैसा उन्हें को देना होता है ना हम लोग सैलरी, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ कुछ ग्रेनिया है जो आप मेरे पीछे भी लाइन में देख सकते हैं, लंबी कतार लगी हुई है और ये सब घर छोड़ के आई हैं यहाँ पे प्याज लेने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना इनको कष्ट का सामना करना पड़ना है यहाँ पे। अब पूरे घर का काम छोड़ के 3 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्याज नहीं मिला है, लेकिन इतने बाजार में महंगे प्याज है जिसकी वजह से हम लोग सारे घर का काम छोड़ के इतने लंबे लाइन में लग पा रहे हैं, लगे हुए हैं। तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको? हाँ, कि बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और घर का काम भी होगा, इसके बाद भी आपको अगर बच्चे होंगे तो कॉलेज स्कूल से आएंगे? बच्चे लोग अभी स्कूल गए हुए हैं ना,
तो हम लोग अभी आधा काम करके और उसके बाद हम लोग चले आए हैं। अब आधा काम छोड़ी के हम लोग आए, अब जाएंगे तो प्याज लेके तो घर के बच्चे लोग आ ही जाएंगे। तो मैम कैसा लग रहा है सरकार की इस तरह के पहल कितनी लाभदायक है आम जनता के लिए? नहीं, सरकार बहुत अच्छी की है। 70 रुपए जो प्याज किए हुए हैं अभी 35 रुपए मिलेंगी तो हम लोग को तो राहत मिलेगी ना जनता लोग को, क्योंकि मैनेजमेंट सारा आप लोग देखती है। तो प्याज को कैसे मैनेज कर रही थी अब तक? हम लोग मैनेज बहुत मुश्किल हो रहा था, अभी नॉनवेज वगैरह खाने में भी हम तो जैसे आप लोगों से सुन सकते हैं कि यहाँ पे खासकर चिकन की बात करें तो अभी ये सीजन ऐसा है कि लोग खाना पसंद कर रहे हैं, नॉनवेज तो बनता ही नहीं है। तो जैसे कि मैम कह रहे हैं कि बिना प्याज का नॉनवेज बनता नहीं है, तो काफी जनता में भी खुशी देखने को मिल रही है, साथ में जो परेशानी है वो भी कम नहीं है लोगों में। तो अभी मेरे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तराजू है, उस पर आप देख सकते हैं कि वेट जो है बिल्कुल सही करके जनता तक को दिया जा रहा है। हाँ, तो देखिए पूरा मतलब जो है एक्यूरेट वेट मिलेगा लोगों को। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, जो प्रशासन है, कि लोगों को ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है और वेट में जरा सी भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा ही जा रहा है लोगों के पास। तो आप भी आइए, अगर आप छूट गए हैं तो आइए और बिस्कुमान में से आइए और ये प्याज ले जाइए। और इधर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए भैया लोग जो है हर जगह वही काम चल रहा है, पैकिंग भी हो रहा है और साथ में वजन के साथ हर जगह आपको कांटा देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्यूरेट वेट करके लोगों को ये दिया जा रहा है। तो आप भी आइए, और इसमें क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी बिल्कुल एक्यूरेट दिया जा रहा है लोगों को। और जहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पैकेजिंग में, जो कि बिल्कुल कांटा एक्यूरेट करके ही आपके घर तक ये जो प्याज है मिलेगा और बिल्कुल संतुष्ट होकर आप इस प्याज को ले सकते हैं। तो अभी हम गोडाउन में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्याज की बोरी यहाँ पे रखी हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी ख़त्म होने वाला है, एक दो दिन का नहीं है, मतलब सरकार की ये पूरी कोशिश है कि उन लोगों तक पहुँचाया जाए प्याज जिनके प्लेट से गायब हो चुकी है। और ये पूरा जो काम है यहाँ पे, देखिए गोडाउन मेरे पीछे से यहाँ पे सिर्फ प्याज ही प्याज दिख रहे हैं। तो आइए यहाँ के प्रबंधक जो हैं उनसे जानते हैं कि प्याज कहाँ से आ कहाँ से रही है। ये जो है अलवर राजस्थान से, वहाँ सोसाइटी जो क्रय करके रखे हुए है, किसानों से क्रय करके की है, और वहाँ से उसके माध्यम से भारत सरकार के जो हमारे शीर्ष संस्था जो नेफेड है उसके माध्यम से हम लोग बीस को माननीय मंत्री वहाँ खाद्य उपभोक्ता रामविलास पासवान किसी के भी सहयोग से, जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनके प्रयासरत से, ये मैंने पटना वासियों के लिए हमारा जो है ये प्याज जो अभी मार्केट में जो 60 रुपया जो चल रहा है, 70 रुपये के रेट से दर से चल रहा है, वो जो हमारे 35 रुपये के दर से हम लोग उसको पटना वासियों को मुहैया कराने का हम लोग बीमा हमारे बिस्कोमान के माध्यम से, इसमें जितने हमारे कार्मिक पदाधिकारी और माननीय अध्यक्ष महोदय का अथक प्रयास से ये कार्य हमारा सफलभूत होने की आशा थी पर है। तो सर अभी जो हम प्याज देख रहे हैं सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी प्याज आने वाली है? अभी हमारा अभी 2 ट्रक प्याज अभी हम लोग अभी इसको मैंने आया है हुआ है, अभी हमारा गाड़ी जो है लाइन में है, अभी हम लोग मैंने भरपूर मात्रा में मतलब कि जितना आपूर्ति हम लोग का यहाँ मुहैया होनी चाहिए, हम लोग हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने अथक प्रयास कर रहे हैं कि हम इस प्याज को हम सभी घरों में पहुंचाने का कार्य करें। जी सर, पटना वासियों को तो प्याज मिल जा रही है इसलिए क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप, और क्या बिहार में कहीं और भी इस तरह का व्यवस्था की गई है प्याज को लेकर? अभी वर्तमान में अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा अभी पटना में अभी भी हमारा प्रयास चल रहा है, और पटना के जो वार्ड में हमारा अभी 40-40 बोरा का भी हम लोग वितरण करने का, और इसमें हमारा 8 जगह केंद्र भी हमारा अभी प्रयास चल रहा है जो विभिन्न स्थानों पर लगा हुआ है, अनिसाबाद, पटलीपुत्रा, बोरिंग रोड, साईं मंदिर, राजा बाजार, कई स्थानों पर पटना का जो बिस्कोमान परिसर है इसमें भी हम लोग मतलब इसको वितरण कर, 1 व्यक्ति 2 किलो प्याज हम लोग वितरण करने का कार्य की कर रहे हैं। थैंक यू सर, हमारे तरफ से भी और उन सभी जनता की तरफ से जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं और उन तक प्याज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। देख सकते हैं ये प्याज वो प्याज जो आजकल आम जनता के प्लेट से गायब हो चुकी है,
और जो प्याज जो है लोगों को रुला रही है, लेकिन अब ये जो सफ़र है आपका और जो परिस्थिति है बदलने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सिर्फ प्याज ही प्याज है, तो बिस्कोमान की तरफ से और सरकार की तरफ से यहाँ पे प्याज जो है 35 रुपये किलो और पर व्यक्ति 2 kg डेली दिया जा रहा है, मतलब जो लोग आएंगे, और ऐसा नहीं कि सफ़र आज ही चलेगा और ये आगे भी बढ़ेगा। तो आइए चलते इस सफ़र में और देखते हैं किस तरह लोगों को पहले क्या क्या प्रोसेस के थ्रू प्याज मिल रहा है। अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है जो बिस्कोमान के डायरेक्टर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि प्याज जो आ रही है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो प्रयास है किस तरह से वो कर रहे हैं। तो पहले तो सर, जो लोगों को राहत देने के लिए कोशिश की जा रही है, तो प्याज आ कहाँ से रहा है? प्याज राजस्थान से आ रहा है, 60 रुपया खरीद पड़ रहा है, 35 रुपया में बेचा जा रहा है। तो सर ये कितने दिनों तक ये प्रोसेस चलेगा यहाँ? जब तक बाजार का मूल 50 रुपया से नीचे नहीं आ जाएगा तब तक हम बेचते रहेंगे। तो सर जो जनता अभी तक नहीं आ रही, मतलब वो निश्चिंत रहे कि उनको प्याज आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल, 20 जगह वार्ड में भी बंटवाया जा रहा है, 20 जगह के वार्ड जो पार्षद हैं उनको भी यहाँ से डिलीवर्ड दिया गया है, हमारे स्टाफ वहाँ भी कार्य कर रहे हैं, बहुत दूर से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने वार्ड में भी ले सकते हैं। तो जैसे कि पटना में अभी बात करें गांधी मैदान का बिस्कोमान के पास मिल रहे, तो कोई और ऐसा एरिया जहाँ पे लोग जाके प्याज खरीद सकते हैं? बिल्कुल, 19 कह तो रहे हैं कि 20 वार्ड में अभी प्याज गया हुआ है, 20 अनिशाबाद है, आपको सगुना मोड़ है, राजा बाजार है, सभी जगह से काम चल रहा है। तो अगर आपके भी प्लेट से प्याज गायब है तो आप भी बिस्कोमान आइए और यहाँ पे आधे कीमत में मात्र 35 रुपये प्रति केजी में आपको 2 kg प्याज ले जाइए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना में एक ही जगह मिल रही है, पटना के 20 जगहों पे प्याज मिल रही है, तो अपने नियर जो भी आपके प्लेस वहाँ पे जाइए और प्याज खरीदिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहता है फुल वॉल्यूम के साथ।